नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का बाजार शास्त्र में। मैं हूँ प्रियंका उप्पल आनंद। कहते हैं कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, हर चीज का समाधान होता है। तो ये समाधान शेयर बाजार में क्यों नहीं ढूंढा जा सकता? क्यों नहीं कोई ऐसा स्टॉक ढूंढ लिया जाता जो 100 का 200 हो जाए या फिर 200 का 500 हो जाए? चलिए यही जान लेते हैं इस एपिसोड में। सुनील मिगलानी हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भगवान भी ढूंढने से मिल जाते हैं तो फिर कोई ऐसा स्टॉक जिसे मल्टी बैगर कहा जाता है, यानी 200 का है और शायद 500 का हो जाए, 500 का है तो शायद 1000 का हो जाए, ऐसा स्टॉक ढूंढा जा सकता है? कैसे ढूंढे? देखिए, ऐसे स्टॉक के माथे पे नहीं लिखा होता ना कि वो ऐसे स्टॉक जो है वो 200 का 400 होने वाला है। मार्केट में हम काफ़ी बात कर चुके हैं पहले। बहुत सारे लोगों का यही रहता है कि हम कोई ऐसा स्टॉक ढूंढ लें जो हमारा 100 का 200 हो जाए, 20 का 100 हो जाए, 100 का 1000 हो जाए। ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। शायद भगवान ढूंढना आसान हो, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। मैं आपको बताता हूँ क्यों इम्पॉसिबल है। आप ढूंढ नहीं सकते, वो मिल जाएगा आपको। वो आप उसे ढूंढ नहीं सकते, वो अपने आप मिल जाएगा आपको। वो आपको मिलेगा भीड़ में। आप मार्केट में काम करते हैं, आप 20 स्टॉक्स में काम करते हैं। इस फर्क को नहीं समझ पाए, ढूंढ नहीं सकते, मिल जाएगा। मैं आपको वही समझा रहा हूँ, ढूंढ नहीं सकते, मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा वो आपको? जैसे आपको लाइफ में अच्छे दोस्त मिल जाते हैं। जिस दिन आप मिले थे उस दिन आपको पता था आपका बेस्ट फ्रेंड होगा ये? नहीं, समय के साथ धीरे धीरे समय बिताते गए, बताते गए। आपको उस दिन नहीं पता था ये मेरा बेस्ट फ्रेंड होगा। आपने एक अच्छे आदमी से आपने दोस्ती की, बहुत सारों से दोस्ती की। कुछ चले गए जो अच्छे नहीं थे, वो चले गए। कुछ सेलेक्टेड रह गए, वो अच्छे हैं, वो आज तक चल रहे हैं। स्टॉक मार्केट बिल्कुल इसी तरह है। स्टॉक मार्केट में जब आप काम करते हैं, अपनी पूरी एनालिसिस लगाते हैं, ट्रेंड देखते हैं, सिस्टम देखते हैं, और आप कुछ स्टॉक्स में काम करते हैं, आप एक से लेकर 10 स्टॉक तक चुनते हैं। उन 10 स्टॉक के अंदर से सारे मल्टीबैगर नहीं होंगे, लेकिन दो मिल जाएंगे कोई ना कोई। उसमें से दो ऐसे भी होंगे जो खराब दोस्त होंगे, उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। ऐसे भी होंगे जो थोड़े दिन तक साथ रहेंगे और फिर उसके बाद आपके काम नहीं आएंगे। ऐसे भी होंगे जो आपके काफी टाइम तक साथ रहेंगे और फिर कहीं ना कहीं और चले जाएंगे। और ऐसे भी होंगे जो हमेशा आपके साथ रहेंगे। ये होते हैं मल्टीबैगर स्टॉक। राइट, लेकिन आपने कहा ऐसा ढूंढा नहीं जा सकता। अगर हमारी कोशिश ऐसी हो, हमारी रिसर्च ऐसी हो, टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस हमने लगाया, पहले तो रीजन यही कि टेक्निकल लगाया जाए या फंडामेंटल लगाया जाए ऐसे ऐसे स्टॉक को ढूंढने के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे स्टॉक को ढूंढने की कोशिश ही क्यों की जाए, कोशिश क्यों की जाए ऐसे स्टॉक को ढूंढने के लिए। मुनाफा कमाना है। अगर मुनाफा कमाना है तो मुनाफा उस स्टॉक में आएगा जो स्टॉक पहले ही 3 गुना हो चुका है, उसको लीजिए। मैं आपसे एक यहां सवाल पूछता हूं। सलमान खान को जिसने ढूंढा था, जिसने कभी आज से 10-15 साल पहले उसको डिस्कवर किया और उसको 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए देके और एक मूवी बनाई, उसने पैसा ज्यादा कमाया कि जिसने ये साबित होने के बाद कि सलमान खान हीरो है, उसको 20 करोड़ देके और मूवी बनाई, उसने पैसे ज्यादा कमाए? बाद वाले ने, जब वो एक स्टार बन गया। अब अगर पहले वाला आ जाए कि कहे मैंने सलमान खान को ढूंढा था, तो ठीक है, ईगो सेटिस्फाइड कर लेगा, पैसा नहीं कमाया, पैसा कमाया बाद वाले ने। यानी नाम हो सकता है, पहली मूवी का अगर सूरज बिरजाता ने बनाई तो नाम हो सकता है उनका, लेकिन पैसा उन्होंने इतना नहीं कमाया। इतना इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं वो चलते हुए घोड़े पे दाव लगाते हैं, रुके हुए घोड़े पे नहीं। शेयर को सस्ते में ढूंढना और अपने आप पे अपनी ईगो सेटिस्फाइड करना, ये बेवकूफों का काम। ये ईगो सेटिस्फाई करना जो आप बार बार बोल रहे हो सुनील, इसको थोड़ा और समझना चाहेंगे। ईगो सेटिस्फाइड करने का मतलब है कि आपके मन में एक अच्छा फीलिंग आता है कि देखो ये स्टॉक मैंने ढूंढा। आज हो सकता है जिसने पहला मूवी बनाया सलमान खान को, वो लोगों के 4 लोगों के सामने जाके बोलता हो कि ये देखिए ये वो आदमी है जिसे मैंने डिस्कवर किया, लेकिन सिर्फ वो यही कर सकता है बस। पैसा तो उसने कमाया नहीं, पैसा कमाया उस आदमी ने जिसने 20 करोड़ दिए। 20 करोड़ सलमान खान को दे के अगर कोई जो प्रोड्यूसर है वो उसको दे के मूवी बना रहा है, उस 20 करोड़ पे 5 मूवी बन सकता है, लेकिन वो जानता है कि वो 5 मूवी अगर मैं विवेक मिश्रान को लेके बनाऊंगा ना तो वो हिट नहीं होगी। इस मार्केट में भी स्टॉक लोग यही करते हैं, 1000 रुपए का स्टॉक नहीं लेते हैं और 50-50 रुपए के 20 ले लेते हैं। बिल्कुल वही काम है, लेकिन उनको ये नहीं पता ये 1000 का स्टॉक जो है ये तो 2000 हो सकता है, ये 50 वाले 25 रह जाएंगे, क्योंकि ये विवेक मिश्रान है। सलमान खान ढूंढना है आपको। आपको वो स्टार ढूंढना है। आप कहते हो मुझे ऐसा स्टॉक चाहिए जो 5 गुना हो जाए, तो 5 गुना होने का रास्ता 2 गुना होने से आता है। ऐसा स्टॉक ढूंढ लो जो पहले 2 गुना हो चुका है, उसको ले लो, उसमें वो पोटेंशियल है कि वो 5 गुना हो सकता है। आप ऐसा स्टॉक ढूंढते हो जो पहले ही 100 रुपए से 5 रुपए आ चुका है।
यानी अगर हम एग्जाम्पल देख लें, लाइव एग्जाम्पल देते हैं, वोकार्ड है या स्ट्राइड्स आर्कोलाब है, बड़े बड़े स्टॉक्स थे। स्ट्राइड्स का ही अगर बात कर लें, स्ट्राइड्स आर्कोलाब की बड़ा स्टॉक था, शायद आप सोचोगे कि वैल्यू पॉकेट से ज्यादा शेल आउट करना पड़ेगा, लेकिन वो मादा रख रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। 300 रुपए का स्टॉक 600 का हुआ, 600 का स्टॉक 1200 का हुआ, 1200 का स्टॉक हो सकता है आपको हमें 2400 भी देखने को मिले। यही होता है अच्छे स्टॉक में। मल्टी बैगर के चेहरे पे नहीं लिखा होता है वो मल्टी बैगर है, वो चलता है, आप उस पे बेट करते हैं, आप उसे लेते हैं, आपको लगता है मल्टी एक गुना से 10 गुना होने का रास्ता 1 गुना से 2 गुना होने में ही आता है। अभी सुजलॉन आप लेके बैठ जाएंगे ना, कुछ नहीं होने वाला आपका। 20 सालों से लोगों ने लेके बैठे हैं, वो जहां लेते हैं वहां से टूट जाता है, जहां देते हैं वहां से गिर जाता है। क्यों? लोगों को लगता है सस्ता है। ये ट्रिगर नहीं हो सकता खरीदने के लिए कि सस्ता है, कम है, ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे तो मैं ये खरीद लेता हूं। आपको पीछे उसके ये देखना पड़ेगा कि वजह क्यों है लेने की। देखिए सस्ता तो राहुल रॉय भी, उसको साइन कोई नहीं करता है। अभी सस्ते का क्या है, अभी वो चलेगा नहीं तो करेंगे क्या उसको रख के। एक चीज सस्ती है लेकिन वो चल भी तो नहीं रही है, चल तो महंगी वाली रही है। एक हीरो जो 10 लाख रुपए के लेके अगर मूवी बना भी रहा है लेकिन उसकी पिक्चर देखने कोई नहीं आ रहा है तो उसको करेंगे क्या। इस मार्केट में लोग ज्यादातर ऐसी मूवी बनाते हैं कि सस्ता हीरो ले लो, सस्ती मूवी बना लो, उसके बाद चलती नहीं वो मूवी, उसके बाद कहते हैं सर ये मार्केट जुआ है, बेकार है, सब हटाओ। क्योंकि देखो मैंने 100 रुपए का स्टॉक था और 10 रुपए में लिया तो भी 5 का हो गया। उसको ये नहीं पता कि तूने 10 का लिया तो 5 हुआ, अगर ये 100 वाला स्टॉक 200 हो गया होता तब लेता ना तो ये 400 हो जाता। तो यानी कास्ट स्ट्रॉन्ग करनी होगी आपको, आपको कास्ट स्ट्रॉन्ग देनी होगी तभी आपकी पिक्चर हिट होगी। बिल्कुल, आपको वो हीरो आपको हीरो चुनने हैं, यहाँ पे जीरो नहीं चुनने। आप हीरो पे काम कीजिए। अगर आपने 10 ऐसे स्टॉक चुन लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, 10 ऐसे स्टॉक चुन लिए जिनको आपने देखा कि हाँ इनमें हीरो बनने का मादा है, ये साबित कर चुके हैं इनमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, उसमें से 2 ही तो हो सकता है खराब निकले, सारे खराब निकल जाएंगे, यही चीज है। और उसमें से कोई सलमान खान भी निकल सकता है। चलिए अगर ये सफर की अगर बात करें कि चलिए एक स्टॉक को आप नोटिस कर रहे हैं कि ठीक है ये डबल हुआ, यहाँ से थोड़ा और बढ़ा, ये जो मिलने तक का सफर है, मल्टीबैगर तक स्टॉक मिलने तक का जो सफर है, इसमें एनालिसिस क्या लग रही है, टेक्निकल लग रही है या फंडामेंटल लग रही है, क्या देखें हम कि स्टॉक के क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखें कि इस कंपनी के पीछे मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी हैं, किस तरह से ये काम करते हैं, क्या देखें या फिर क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, क्या फ्यूचर। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं इतना टाइम से, हम फंडामेंटल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ सिर्फ प्राइस बिहेवियर की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर ये प्राइस बिहेवियर ऊपर जा रहा है तो इसको आप ले लीजिए। अब एक छोटा बच्चा पैदा होता है किसी के घर में, आप एग्जांपल दीजिए, छोटा बच्चा पैदा हुआ किसी के घर में, जिस दिन जो एक बच्चा पैदा हुआ और एक उसके साथ दूसरा बच्चा पैदा हुआ, आप उसी दिन देख के बता सकते हैं कि हाइट कितना जाएगा? नहीं बता सकते। एक का हाइट 6 फुट हो सकता है, एक का हाइट 4 फुट रुक सकता है। अभी आप बोलेंगे 6 फुट वाले में मैंने क्यों नहीं बैट किया, मुझे तो पहले पता नहीं था, पहले पता चल ही नहीं सकता। हर चीज के स्टार्टिंग फेज जो है एक जैसा होता है। जब भी कोई स्टॉक चलेगा, आपने 10 स्टॉक चुने ना, 10 एक जैसे लगेंगे, उसमें से एक स्टॉक जो है 6 फुट हाइट तक पहुंच जाएगा, एक 4 फुट पे रुक जाएगा, एक 5 फुट पे रुक जाएगा। एक क्लास में अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो सब बच्चे एक जैसे नहीं होंगे, और बच्चा कितना शार्प निकल सकता है ये पोटेंशियल धीरे धीरे पता चलेगा। ये मैंने आपको बोला ना, जैसे अभी आपको बताया फ्रेंड्स हैं, हम फ्रेंड्स अच्छा फ्रेंड चुन नहीं सकते हैं, बहुत सारे लोग होंगे उनमें से कुछ अच्छे फ्रेंड हमें मिल जाएंगे। एक मूवी का सॉन्ग है, मैं आपको बताता हूँ 2 लाइन उसका, वो कहते हैं जिंदगी है एक जुआ, कभी जीत भी कभी हार भी, यहाँ दुश्मनों की भीड़ में मिल जाएंगे तुझे यार भी, तू खेलता जा बाजियों पे बाजियां। बहुत बड़ी इंस्पिरेशन भी मिलती है इस सॉन्ग से। आपको दुश्मनों की भीड़ में ही दोस्त मिलेंगे, अगर आप दुश्मन नहीं चाहते तो दोस्त में से ही आपको पिक करना होगा अच्छा स्टॉक। खराब आपको 10 अच्छे स्टॉक लेने हैं, उसमें से कोई 2 या 3 ऐसे मिलेंगे जो बहुत अच्छे होंगे। अब वो बहुत अच्छे के ऊपर लिखा नहीं होता है कि ये बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे टाइम से पता चल जाते हैं, अपने आप सामने आ जाते हैं। सलमान खान का 10 साल पहले कोई बोल सकता था वो सलमान खान बनेगा? आप बताइए। नहीं पता था। ये जरूर देखना होगा आपको कि ये पहली कोशिश नहीं हो सकती, पहला स्टेप ये नहीं हो सकता कि मैं कोई ऐसा ही स्टॉक ढूंढूं जो मुझे मुनाफा ही मुनाफा देता जाए, बल्कि उस स्टॉक को रख कर रखना है जो मुनाफे देते चले जा रहे हैं। लेकिन आमतौर पर ऐसा भी होता है सुनील कि कई बार कुछ लोग करते हैं कि अगर आज ये स्टॉक है इसमें शायद कल नेगेटिव न्यूज आ जाएगी तो मैं सोचता हूँ कल इसे शॉर्ट सेल कर देता हूँ, आज पॉजिटिव न्यूज रहेगी या फिर अभी थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड में है तो मैं इसे खरीद कर रखते चला जाता हूँ। क्या हम एक ही स्टॉक में बियरिश और बुलिश दोनों हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आप एक ही स्टॉक में एक ही टाइम पे बियरिश और बुलिश नहीं हो सकते। देखिए बियरिश होने का और बुलिश होने का, यानी कि आप स्टॉक को बाय करते हैं और स्टॉक को सेल करते हैं, दोनों का तरीका अलग है। हमने पहले भी बात किया, ट्रेंड अगर अप है तो हम इसको सेल नहीं करेंगे, ट्रेंड अगर डाउन है तो हम इसको
बाय नहीं करेंगे। अब एक आदमी ये सोचता है कि मैं उसको यहाँ पर बेच दूँ, यहाँ पर ले लूँ, यहाँ पर बेच दूँ, यहाँ पर ले लूँ, वो नहीं कर पाएगा। छोटी छोटी मूवमेंट को आप मार्केट का नहीं पकड़ सकते, ब्रॉडर ट्रेंड पकड़ सकते हो आप। अभी जनवरी से समर शुरू हुआ है, फरवरी से समर शुरू हुआ है, वो समर आपका अक्टूबर तक चलेगा, मुझे ये पता है, मुझे पता है कि अभी शुरू हुआ है, अभी तो अभी चलेगा 8 महीने 10 महीने चलेगा। तो इस पूरे दौरान, इस समर के दौरान ऐसे वक्त आ सकते हैं बीच में कि किसी दिन हमारा एसी जो है हमें ऑफ करना पड़ जाए, किसी दिन ऐसे वक्त आ सकते हैं कि हमें फैन हल्का करना पड़ जाए, लेकिन ऐसे वक्त किसी दिन नहीं आएंगे कि हमें हीटर चलाना पड़ जाए। अप ट्रेंड में कोई ऐसे दिन नहीं आएंगे कि हमको बहुत ज्यादा करेक्शन का सामना करना पड़ जाए। तो एक समर शुरू हुआ वो एक ट्रेंड है, बीच बीच में छोटी छोटी मूवमेंट आएंगी नीचे की, टेंपरेरी साइकिल्स आएंगी बीच में, लेकिन हमें पता है कि हाँ ऐसा कोई दिन नहीं आएगा हमें स्वेटर पहनना पड़ जाए। तो हमको उस पर शॉर्ट सेल कभी भी नहीं करना है, वो टेंपरेरी है, वो हो जाएगा सही अपने आप टाइम से। अगर आप वहां ट्रैप हो गए, गलत जगह पे आपने ले लिया तो नहीं। बड़ा ट्रेंड देखिए, ब्रॉडर ट्रेंड अगर ऊपर का है तो हमेशा बाय करना है, ब्रॉडर ट्रेंड अगर नीचे का है तो हमेशा सेल करना है। सेल करना है ना, विंटर का इंतजार कीजिए, विंटर आएगा तब आपको फैन चलाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। चलिए, तो यानी इस बारीकी को तो हमने समझ लिया, लेकिन बारीकियां और भी बहुत सारी हैं, सवाल और भी बहुत सारे हैं, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, आप बने रहे बाजार शास्त्र के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं बाजार शास्त्र और सुनील मिगलानी मेरे साथ बने हुए हैं बाजार के शास्त्र को समझने में हमारी मदद करने के लिए। सुनील, अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये कहावत है लेकिन स्टॉक मार्केट में बहुत बार याद आती है। बहुत बार ये लगता है कि इस स्टॉक को देखा, ठीक है, अच्छा लग रहा है, उसके बाद अगले दिन देखा 7% चढ़ा हुआ है, थोड़े समय बाद देखा और चढ़ा हुआ है, आपको लगा कि मैं खरीद लेता हूँ, सोचते 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 बस गाड़ी निकल जाती है और स्टॉक खरीद नहीं पाते। इस उलझन से किस तरह से बाहर निकला पाए, यानी एक पेन है कि हम गेन नहीं बना पाए। देखिए, ये जो आपने पेन का बात करा है, स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा पेन यही है। इस स्टॉक मार्केट में जितनी भी गलतियां होती हैं आम ट्रेडर से, उसके पीछे यही पेन काम करता है एक्चुअली, क्योंकि यही पेन उसको गलत समय पे स्टॉक खरीदवाता है और गलत समय पे जो उसका स्टॉक निकलवाता है। क्योंकि जब लेने का वक्त होता है उस स्टॉक को, जब एक स्मार्ट इन्वेस्टर, स्मार्ट ट्रेडर जहां बाय कर रहा होता है वहां वो वॉच कर रहा होता है, और जहां वो स्मार्ट ट्रेडर एग्जिट कर रहा होता है, चाहे टेम्परेरी कर रहा हो, वहां वो बाय कर रहा होता है। ये जो पेन है, ये सबसे, इससे बड़ा दुख इस मार्केट में कोई नहीं है कि मैंने ढूंढा, मैंने ढूंढा का मतलब आपने एक स्टॉक देखना शुरू किया, आपको बड़ा अच्छा लगा, आपको पता है इसका फंडामेंटल ये वो सब अच्छा है, चलो अब मैं इसको देखता हूँ, देखना शुरू किया लेकिन लिया नहीं, वो ले आपके देखते देखते 2% 3% 4%, पहले वो धीरे धीरे खिसकेगा, धीरे धीरे आपको फील भी नहीं होने देगा वो, जब वो थोड़ा सा ऊपर निकल जाएगा आपकी रीच से बाहर, आपको लगेगा थोड़ा सा महंगा है, नीचे आएगा तो लूंगा, उसके बाद वो 7-7% ऊपर जाएगा, उस समय आप कहोगे यस मैंने ये उस समय क्यों नहीं लिया, और फिर वो जो टीस है वो हमेशा बनी रहेगी आपके मन में कहीं पर भी, और आपको वही टीस गलत जगह पे उस स्टॉक को खरीदवाएगी जब या तो स्टॉक का साइकिल चेंज हो रहा होगा या कुछ भी ऐसा हो रहा होगा। एक स्टॉक था रिलायंस कैपिटल, हमने पहले भी बात किया है इसका एक बार, वो स्टॉक 400 रुपये से चला, लोग देखते रहे उसको, देखते रहे, लोगों ने नहीं खरीदा, महंगा है अभी गिरेगा, अभी महंगा है, 2500 पे जब वो स्टॉक पहुंच गया लोगों ने कहा अब बहुत अच्छा कंपनी है ये बहुत बढ़िया कंपनी है, वहां खरीदा उन्होंने, या किसी ने वहां नहीं भी खरीदा तो जब वो वापस आ रहा था, उसका साइकिल बदल गया और ट्रेंड चेंज हो गया नीचे का, लोगों ने तब खरीदा उसे वहां पे कि चलो 2500 का स्टॉक है, 2000 में मिल रहा, सस्ता है,
₹400 का महंगा लग रहा था, 2000 का सस्ता लग रहा है, क्योंकि आप 2500 के रेट देख लिए। तो वो जो पेन है वो हमेशा अंदर दुख देती रहती है आपको, और इससे बड़ा दुख इस मार्केट में कोई है ही नहीं एक्चुअली। यानी जब आप ये बात कर रहे हो तो हमने जो पिछले एपिसोड में बात किया मैं उसे रिलेट कर रही हूँ, यानी 400 से वो चढ़ता गया, वो हाई टॉप्स हाई लोस बनाता टॉप्स हायर बॉटम्स में दिखाता हूँ वो बनाता गया, वो हायर टॉप्स हायर बॉटम बना रहा था, और यहाँ पे जाके जब वो ये इस एरिया में जो लोग ले नहीं पाए उनका पेन इतना ज्यादा था कि उनको लग रहा था हमने आइडेंटिफाई किया 500 पे, ये स्टॉक 2500 हो गया, हम हीरो, लेकिन पैसा नहीं कमाया, लेकिन तब भी हीरो नहीं बना, तब भी हीरो नहीं बन पाया, तो ढूंढ लिया था लेकिन सलमान खान का लेकिन वो पेन, अब वो स्टॉक जिस दिन अपनी साइकिल बदलेगा तो अब उनको यहाँ कहीं ना कहीं वो सोचेंगे हम ले लें, अब वो उनको ये नहीं पता कि ये साइकिल नीचे की आ चुकी है, यानी यहाँ उन्हें सस्ता तो लग रहा है इसके इसके कंपैरेटिवली, लेकिन वो नीचे की तरफ इसको भूल चुके हैं, अब वो इसको याद है, अब उन्हें ये भूल चुका है एरिया, उनको ये एरिया याद है कि हाँ ये 3000 तक गया था, 2000 में मिल रहा है, मैं अभी भी हीरो बन सकता हूँ। लेकिन सुनिए, जैसे आप ये बात बोल रहे हो, ये बात बिल्कुल ठीक बोली कि ऐसे किस तरह कई बार लोग फंस जाते हैं, उन्हें लगता है कि 2000 का शायद अब सस्ता है 2500 के कंपैरिजन में, लेकिन अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, क्या ये पॉसिबल है ढूंढ पाना कि यहाँ ये बॉटम है, यहाँ ये सस्ता है, इससे ज़्यादा और नहीं गिरेगा? देखिए, टॉप और बॉटम ढूंढ पाना ना इस मार्केट में बेवकूफों का काम है, फूल्स होते हैं ना, वो हमेशा टॉप और बॉटम की बात करेंगे, वो कहेंगे देखिए सर सबसे नीचे मैंने लिया या सबसे ऊपर मैंने बेचा, सबसे नीचे लेना और सबसे ऊपर बेचना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी का काम है इस बाजार में, जिसने किया हो अगर आपको कोई ऐसा मिले जो ऐसा बोले आप उसको कुछ मत बोलिएगा, लेकिन अपने मन में समझ जाइएगा कि ये ठीक आदमी नहीं है, पागल है, ये बेवकूफ आदमी है, इसको मार्केट का समझ नहीं है, बाजार को तो कुछ समझ ही नहीं पाया, नाप ही नहीं पाया, तुक्का, ये तुक्का ट्रेड है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमें, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं बोलते हैं सर हमने 10 रुपए में सत्यम लिया, हम उसे कहते हैं बेचा कितने का, बोले 14 में, अभी क्या समझदारी है, उसने ढूंढ लिया वो स्टॉक, तुक्के से ढूंढ लिया, लेकिन क्या कमाया क्या उसके अंदर, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसको ये नहीं पता था ये बॉटम है, बॉटम कोई ढूंढ ही नहीं सकता। देखिए टेक्निकल एनालिसिस में जब भी हम बात करते हैं ना, कोई भी स्टॉक कहीं से भी चला है आप कभी भी उसका बॉटम ये एरिया कभी भी आप मालूम ही नहीं कर सकते, क्योंकि अभी वो नीचे गिर रहा है, उसकी साइकिल नीचे की है, वो जिस दिन अपना हायर टॉप्स हायर बॉटम का फॉर्मेशन में आएगा उस दिन हमें पता चलेगा यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट 20% का मूव हमें कभी नहीं मिलेगा, जो प्राइस वॉश करते हैं जो स्मार्टेस्ट प्लेयर हैं वो पहला 20% छोड़ देते हैं, उन्हें कभी नहीं मिलेगा, और लास्ट का जो 20% होगा वो भी उनको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां तक कंफर्मेशन नहीं हो, कंफर्मेशन यहां आएगा कि इस स्टॉक का साइकिल चेंज हो चुका है, यानी कि अगर इस पूरे ये पूरा मूव 500 रुपए का है तो इसका 20% नीचे का और 20% ऊपर का हमें नहीं मिलेगा, ये हम मान के चलते हैं, ठीक है, लेकिन बीच का 60 हमारा है, यानी 20 और 20 40, 100 में से निकाले अगर तो ये 60%, हाँ अगर ये 500 रुपए का स्टॉक है तो इसका 40% 200 रुपए हमें कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर हम ट्रेंड को जानते हैं तो 300 रुपए तो हम जरूर कमाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ भी कंफर्मेशन के बाद बाय किया और यहाँ कंफर्मेशन का सेल। सुनील, कई बार क्या होता है कि ऐसी भी क्वेरीज आती हैं कि लोग कहते हैं कि हमारे पास हमने ये स्टॉक भी खरीद रखा है, हमने ये स्टॉक भी खरीद रखा है, हमें लगा कि फार्मा स्पेस से भी खरीद लो, हमने ऑयल एंड गैस से भी खरीद के रखा है, पोर्टफोलियो बहुत बड़ा सा बना लेते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स रख लेते हैं, क्या ये ठीक है इतने सारे स्टॉक्स को मैनेज कर लेना? देखिए मैनेज बहुत सारे स्टॉक को कर नहीं सकता है कोई, बहुत सारे लोग होते हैं वो कहीं से भी सुन लेते हैं, किसी दोस्त से सुन लेते हैं, टीवी में देख लेते हैं, आप लोगों को देख लेते हैं, कुछ भी बोला जो भी बोला सब कुछ ले लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता वो इतनी सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। आपको अपना कैपिटल हर एक का, कोई अनलिमिटेड कैपिटल किसी के पास भी नहीं है, आपको मालूम है कितना कैपिटल मुझे एलोकेट करना है, कहाँ पर जाना है, क्या लेना है, सेलेक्शन पर जाइए, भीड़ मत इकट्ठी कीजिए। काफ़ी समय पहले, आज से काफ़ी साल पहले हमारे पास एक आदमी आया, उसने हमारे को बोला कि सर मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूँ राय, तो हमने बोला ठीक है, कह रहा सर मेरा एक पोर्टफोलियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैंने कहा दिखाइए, उसने मैम एक पेपर लिया मेरे सामने, प्रियंका उसे पेपर दिया, उस पेपर में मैंने देखा 70 स्टॉक्स थे, 70 स्टॉक थे उस पूरे पोर्टफोलियो में उसके, और उस पोर्टफोलियो की वैल्यू थी 60,000 टोटल, 60,000 का पोर्टफोलियो और 70 स्टॉक, मैंने कहा सर ये क्या है, बोला सर मैंने डाइवर्सिफाइड कर रखा है, मैंने कहा इतना कुछ डाइवर्स, 60,000 रुपए हैं आपके पास, 70 स्टॉक, यानी ऑन एन एवरेज 1,000 रुपए से भी कम, मारुति का एक स्टॉक था उसके अंदर, मैंने बोला इसको क्यों, इस पे क्यों एहसान किया, बोला सर अच्छी कंपनी है हमने सोचा इसमें भी इन्वेस्ट कर दो, महंगा था इसलिए हमने एक लिया। तो ऐसे लोगों के वो करेगा क्या, वो बोले कभी ना कभी कोई तो बढ़ेगा,
लेकिन ऐसे लोग हमेशा लॉस ही करेंगे, क्योंकि वो किसी का ध्यान रख ही नहीं पाएंगे, ना किसी की क्वांटिटी है. जो लीडर्स हैं, जो अच्छे स्टॉक हैं, उनमें आप क्वांटिटी बनाइए, उनमें आप और क्वांटिटी बढ़ाइए. आपने यहाँ पे लिया है, आपने यहाँ 500 शेयर लिया है, 200 शेयर लिया है, आपको लग रहा है ये सब कंफर्म हो चुका है, स्टॉक ट्रेंड ऊपर का है, अपनी यहाँ क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं. बिल्कुल, और यही बात वॉरेन बफेट भी, यानी शेयर बाजार का एक इतना बड़ा नाम भी कह चुका है कि बहुत सारे स्टॉक्स में अगर आप डील करते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान भी कर सकते हैं. हाँ, वो ये भी कह चुके हैं कि ये उस तरह से है जैसे बॉल होता है, जगलर होता है, बॉल वो 5 बॉल खेलता है, 6 बॉल खेलता है, ठीक है, 20 बॉल से खेलना शुरू करेगा ना तो सारी एक बॉल गिरेगा, सारा गिरेगा. बिल्कुल है, तो यानी इस तरह से नहीं करना है, आपको बहुत सोच समझ के अपना पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत है. इनफैक्ट यही कोशिश हमारी है कि हमारे व्यूवर्स भी हमसे इंटरेक्ट कर सके इस सीरीज में, अपने मिथ्स को, अपनी इन उलझनों को हमसे शेयर करें. इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारे व्यूवर्स भी हमें इंटरेक्ट करें. आप हमारा ईमेल एड्रेस भी नोट कर सकते हैं जहाँ पर अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, कुछ उलझने, कुछ ऐसी बातें जिन पर और उस मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करना चाहते हैं, सुनील से हेल्प लेना चाहते हैं, आप हमारे बाजार शास्त्र @znetwork.com पर हमें ईमेल भी कर सकते हैं. और भी मजेदार कॉन्सेप्ट्स लेकर आएंगे आपके सामने और आपकी और भी उलझनों को दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में. तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार.